चूड़ी पहन के नहीं बैठा घर में, ट्रिप लगी हुई थी मुझे। खवातीन ने मेरे दिमाग की लस्सी बना दी थी, कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अब आप भी आए और आके करें ऑपरेशन क्लीनअप जी। ओ खैर हो, आ गया फाजी। नहीं नहीं मीनू नहीं है साथ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ छोड़ आया मेरी बेटी को है? चाचा उसकी सहेली के घर छोड़ के आया हूँ। देखो मेरे साथ ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं करो, अगर हार्ट अटैक हो गया ना एक और खर्चा पड़ जाएगा मेरे सर पे। अरे पर हुआ क्या है? इतनी चीप हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? चीप? पर मैंने क्या किया है? ऐसा पता चलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे जब थोड़ी देर में पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें। अरे मैंने किया क्या है? लो घर से भगा कर ले गया मीनू की बच्ची को और पूछ रहा है मैंने किया क्या है। सच सच बताओ ये मीनू की प्लानिंग थी ना? अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपा कैसी ऑल फॉल बातें कर रही हैं आप? ये अपने टेढ़े भाई को सीधी बातें समझाओ, आखिर तुम एक मिनट बड़ी हो ना इससे। ताया अबू जूते मारने के लिए आ रहे हैं इसे, और मैं एयरपोर्ट से लेके सीधा थाने लेके जाऊंगा फिर से एक पर्चा कटवाने के लिए। इतने पर्चे अगर आपने अपनी बेटी को दिलवाए होते ना तो आज तक माशाल्लाह एमएससी पास कर चुकी होती वो। बकवास, पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पूरा खानदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ क्या फंस गया हूँ मैं, फंस गया हूँ मैं। बस रुक जाए, ये आ जाओ। क्या हुए? 100 ये ले, उठा ले, आ जाओ इधर ही है ना। आखिर आना ही पड़ा चंगेज खान को। टिकट तो मुझे ही भरना पड़ा आपका ताया अब्बा। तुम्हारा बाप भी हिसाब किताब करता हुआ कब्र में उतर गया था। हजार बार कहा है कफन में जेब नहीं होती। कफन की जेब को छोड़े ताया अब्बा, वो खवातीन को पुलिस स्टेशन से निकाले, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी है। अरे ऐसा निकालूंगा आगे दोबारा कहीं जाने जोगी नहीं रहेंगी।